अब हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स अनुप्रिया पटेल जुड़ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को स्वच्छ बनाने की जोरदार शुरुआत की थी और आज उस पहल ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। ये काम मिशन मोड में जागरूकता अभियानों और हर स्तर पर कोशिशों के साथ किया गया है। सरकार स्वच्छता मिशन की अपनी सफलता को कैसे देखती है अनुप्रिया जी? देखिए, ये सच है कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हुई और इससे पहले कभी किसी सरकार ने देश के कोने कोने की स्वच्छता पर इस कदर ध्यान नहीं दिया जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। और मैं समझती हूँ कि 10 साल के बाद अगर हम अपने प्रयासों का आकलन करें तो ये काफ़ी हद तक सफल होते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि आज देश के अंदर अगर आप सैनिटेशन कवरेज की बात करें तो देश में सैनिटेशन कवरेज काफ़ी हद तक बढ़ा है और लाखों करोड़ों की संख्या में शौचालयों का निर्माण हुआ है, खासतौर से रूरल एरियाज़ में जो लोगों के पास स्वच्छता की फैसिलिटीज़ की एक्सेस नहीं होती थी वो आज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि भारत के जो प्रयास रहे हैं स्वच्छता को लेकर आज उसको ग्लोबल रिकग्निशन है, यानी दुनिया सराहना कर रही है कि भारत ने हाइजीन को लेकर, सैनिटेशन को लेकर, क्लिनिनेस को लेकर बहुत बेहतरीन प्रयास किया है। अनुप्रिया जी, आपने जन भागीदारी की बात अभी की। आपने और जी आपने जन भागीदारी की बात की मैम, हेल्थ और हाइजीन हमारे भविष्य की नींव है, एक नए इंडिया की शुरुआत उसी से हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है व्यवहार चेंज या बिहेवियरल चेंज। आप कैसे देखती हैं कि आगे का सफ़र कैसा होगा? देखिए, अभी आपने ODF गाँव की बात की, तो आगे की जब हम बात करें तो मुझे लगता है कि अभी तक जो प्रयास हमने किए उसे कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है और उन सारे प्रयासों में एक कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। यानी कि अगर देश में हमने लाखों की संख्या में गाँव को ODF घोषित किया है तो अब ये खुले में शौच मुक्त गाँव जो हैं इनका ये स्टेटस जो है ये बरकरार रहना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को हम बनाए रखें। इसके साथ ही मैं समझती हूँ कि सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ाया भी है और भी ज़्यादा अगर हम इन्वेस्टमेंट सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाएं तो ये काफ़ी हद तक हमारे अभी तक की जो उपलब्धियां हैं या अभी तक जो भी हमने प्राप्त किया है, जो हमारे अकम्प्लिशमेंट्स हैं, उसको कंसोलिडेट करने में ही नहीं बल्कि उसको आगे बढ़ाने में भी काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल रहेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। 2030 में जो 11 साल का भारत ने को एक लिमिटेशन था वो पूरा करना था, लेकिन इंडिया ने सैनिटेशन और हाइजीन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 6.2 को पहले ही पूरा कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय का अपना रोड मैप आगे क्या होगा? देखिए, हेल्थ और हाइजीन ये इनसेपरेबल है, यानी हाइजीन, सैनिटेशन, क्लिनिनेस के बिना हम बेहतर हेल्थ आउटकम्स की कल्पना नहीं कर सकते और इसलिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी इस एस्पेक्ट पर बहुत ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री जी ने जब 10 साल पहले इस अभियान की शुरुआत की थी तब उन्होंने कहा था कि हमारे जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जो भी सार्वजनिक स्थल हैं जिसमें हमारे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ भी आते हैं, वहाँ पर साफ सफाई, स्वच्छता उच्च दर्जे की होनी चाहिए। और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का इस दृष्टि से हम मानते हैं कि सबसे पहला जो उनका सिद्धांत होना चाहिए, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होना चाहिए, वो यही होना चाहिए, डू नो हार्म, यानी कि आपको इन्फेक्शन कंट्रोल पे आपको बहुत ध्यान देना है। तो उस दृष्टि से हेल्थ मंत्रालय ने इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल की प्रैक्टिसेस जो हैं उस पर बहुत ध्यान दिया है। देश में हमने इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथन भी किया है और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने हमारे हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम तैयार किया है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करिकुलम जो है, जिसके ज़रिए हम हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग्स को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। तो उनके अंदर एक जागरूकता आ रही है हेल्थ फैसिलिटीज़ को कैसे साफ सुथरा रखना है, इसको लेकर अब भारत पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक है। और सबसे बड़ी बात कि हमने इसके लिए एक इंसेंटिव प्रोग्राम शुरू किया है, यानी हम कई साल पहले से, जब से हमारी सरकार आई तब से हमने कायाकल्प नाम से एक इनिशिएटिव की शुरुआत की, जिसके तहत देश भर में हर स्तर की जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं
उनको हम रिवॉर्ड करते हैं अगर वो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन को मेंटेन करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी कोशिश है कि जो हमारे सैनिटेशन और हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनका इंटीग्रेशन हो। इसका एक उदाहरण आप देखेंगे जो अभी हमने कुछ समय पहले जुलाई के महीने में हमारा नेशनल डायरिया वीक, नेशनल डायरिया स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू किया। उस कैंपेन के जरिए अगर हम देखें तो हमारी जो उसकी टैगलाइन थी इस बार की वो यही थी कि डायरिया की रोकथाम और सफाई और ओआरएस से रखें अपना ध्यान। यानी साफ सफाई का, हाइजीन का, सैनिटेशन का डायरिया की रोकथाम में कितना बड़ा योगदान हो सकता है, इसको हमने व्यापक स्तर पे प्रचारित किया।